इसके बाद प्रश्न नंबर तीन की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम, केवल एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, यहां पे कोई जांच नहीं करनी है। देखिए 12, 15 और 21, 12 को 2 से करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 एकम 3, 3 से करेंगे 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 से करेंगे 3 सत 21, 7 एकम 7, 12 के टुकड़े 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 15 के टुकड़े यदि हम बात करें 3 तो 3 के सामने लिखेंगे 5, और 21 की बात करें तो 3 3 के सामने 7। तो हमें एच सी एफ निकालना है, और एच सी एफ में क्या करते हैं, हम मैच करके देखते हैं जिसमें जोड़े बनेंगे। अब यहाँ पे 3 के जोड़ों में से एक लेना है, हमने सेलेक्ट करना है, एच सी एफ हमारा कितना आ जाएगा 3, और एल सी एम की बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा में 7 गुणा में 3, तो 2 दूनी 4 पंजे 20, 7 140 दिया 420 आ जाएगा। इसी तरह में इसकी 17 से 23 और तीसरा दे रखा 29, तो 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ये अभाज्य संख्याओं से ही भाग जाएंगे। अब हमें इनके टुकड़े लिखने हैं, 17 का 17 हो जाएगा, 23 का हमारा 23 ही हो जाएगा, और 29 का हमारा 29 हो जाएगा। तो जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे एच सी एफ एक होता है, और एलसीएम की बात करें तो 17 गुणा 23 गुणा में 29, इसका आंसर होगा 11 33 9। यहाँ पे एक प्रश्न दो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा कि दो या तीन अभाज्य संख्याओं का एच सी एफ हमेशा एक होता है। देखिए कितनी भी अभाज्य संख्याएं आ जाए उनका एच सी एफ एक होगा, और यदि हम उनके एलसीएम की बात करें तो उसका जो एलसीएम होगा जो आपकी संख्या है संख्याओं का गुणनफल होता है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में 8 दे रखा है, 9 दे रखा है और 25 दे रखा है। 8 देखिए 2 से जाएगा 4 पे, 2 से 2 पे, 2 एकम 2, 9 जो है 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 3 से करेंगे 3 3 9, 3 से करेंगे 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, जैसे 5 से करेंगे 25 और 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के टुकड़े 3 गुणा 3, और 25 के टुकड़े की बात करें 5 गुणा 5। तो यहाँ पे देखिए एच सी एफ जो होगा, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो एच सी एफ ये 1 है, और एल सी एम की बात करें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, देखिए 25 दूनी 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, इसका एलसीएम होगा। देखिए बड़े ध्यान से आपने अभाज्य जो गुणनखंड विधि द्वारा ये जो पूर्णांक दे रखे हैं इनके एचसीएफ भी निकालने और एलसीएम भी निकालने। देखिए जांच का विषय केवल दो संख्याओं के बीच ही होगा।